हिंदुस्तान में कुल 562 रियासत थी, उसमें 222 रियासतें काठियावाड़ में रही थी। यह 222 रियासत में 71 रियासत काठी दरबारों की रही थी। काठी दरबारों में रियासत में भाई भाई का भाग होता रहा था, इसीलिए काठी रियासतें छोटी छोटी बन गई थी। बाद में बड़ी काठी रियासतों ने भी सबसे बड़े राजकुमार को राजगद्दी देने की परंपरा का स्वीकार किया था। रियासतों के साथ सन 1807 में एक समझौता किया था, उसका नाम है वोकर करार। यह समझौते के बाद काठियावाड़ में अंदरूनी राजाओं के बीच में लड़ाई झगड़ा बंद हो गया था। तब से शांति का युग शुरू हुआ था और बाद में सब देसी रियासतों का 7 विभागों में वर्गीकरण पॉलिटिकल एजेंट कर्नल किटिंग ने 1863 में कर दिया था। हर छोटी मोटी रियासतों को फौजदारी और दीवानी सत्ता में उसके हाथ बांध दिए थे। इस नियम के मुताबिक सणोसरा रियासत को 6ठे वर्ग के शासक में शामिल किया था। तब उसके तालुकदार को फौजदारी सत्ता में 3 महीने की सख्त कैद करने की और ₹200 का दंड करने की सत्ता दी गई थी। यहाँ के कैदी को दरबार की जेल में रखते थे। उसके पास दरबारगढ़ में 2 कुएं खुदवाए थे, ये आज भी मौजूद है। दीवानी सत्ता में सणोसरा रियासत को ₹500 तक का दावा सुनने की सत्ता थी। सणोसरा रियासत में 3 गांव शामिल थे, सणोसरा, लाखनका और पिपराली। रियासत का विस्तार 13 चौरस माइल और 6000 की वार्षिक आमदनी थी। सणोसरा रियासत का विलीनीकरण पत्र में दरबार श्री जीवा खाचर ने दस्तखत किया था। सणोसरा रियासत की स्थापना वीरा खाचर प्रथम ने की थी, उसने सणोसरा बसाया होगा। सणोसरा रियासत रामाणी खाचर दरबारों की रही थी। रामाणी खाचर में मोलू खाचर और लाखा खाचर बड़े महारथी योद्धा और शक्तिशाली शासक रहे थे। उसके बेटे पंचाल के गांव में बसते हैं। सणोसरा में बारोट और मंदिर ब्राह्मण की स्त्रियां सती हुई थी। आज भी उसकी खांबी गांव में है और उसको समस्त गांव सती माँ के नाम से पूछते हैं। मंदिर ब्राह्मण हमारे गांव का पानी नहीं पीते हैं, उसका सब दरबारों को बड़ा अफसोस है। हम माफी मांगते हैं और मंदिर ब्राह्मणों को पानी पिलाना चाहते हैं। सती माता हमारी ये दर्द भरी अरज सुनना, ऐसा बोलते हैं। सणोसरा के तालुकदार ने सन 1868 के आसपास पाठशाला बनाई थी। उसको अब तक लोग पुरानी पाठशाला या जूनी निशाल के नाम से जानते थे। दरबार श्री दादा वीरा खाचर का रानी सुरबाई ने संवत 1969 में सणोसरा में एक बड़ा शिव मंदिर का निर्माण कराया था कि आज भी 96 साल से वो खड़ा है और उसकी धर्मनिष्ठा का प्रमाण दे रहा है। सणोसरा रियासत के युवान दरबार श्री सांगा खाचर पहले जब सणोसरा का गौधन कोई लुटारू लेने के लिए आए और गौधन का हरण किया, तब तुरंत ही पल भर के विचार किए बिना उसके पीछे पड़े और उसने पियावा गांव की जमीन में लड़ते लड़ते अपने प्राण का बलिदान दे दिया था। आजकल सणोसरा के खाचर दरबारों उसको बड़े आदर भाव और पूरे सम्मान से हर नए साल के प्रतिप्रता के दिन पूजते हैं और किस्म किस्म की मनोतिया रखते हैं। यह सांगा बापू में सिर्फ काठी दरबारी नहीं लेकिन पियावा गांव के जमीन वालों किसानों भी बड़ी श्रद्धा रखते हैं। सणोसरा रियासत में दूसरे सांगा खाचर को 2 होनहार कुमार थे, अमरा सांगा और दूसरा खान सांगा। ये दोनों की सणोसरा में 2 पार्टी, ऊपरी पार्टी और निचली पार्टी। दरबार श्री भान खाचर सीधे साधे बड़े निराले स्वभाव के रहे थे। उसको रियासत के अलावा साधु संतों की संगत में ज्यादा रस रहा था। यह भान खाचर साधु जैसे लंबे लंबे बाल रखते थे और भक्ति करते थे। उसको बेटे जिंदा नहीं रहते थे तब ये उदास रहते थे। तब एक दिन लठुरिया बापू और हका बापू आए
और यह सिद्ध संतों ने उसके चेहरे पर से चिंता पढ़ ली और बोले, दरबार खान खाचर ऐसे उदासीन क्यों रहते हो? तब खान खाचर ने अपना दुख बताया। तब यह दोनों संतों ने आशीर्वाद दिया कि जा भान खाचर, तुम्हारे दरबारगढ़ में दो लड़के पैदा होंगे। हम दोनों संतों के आशीर्वाद से एक एक लड़का होगा। यह संतों का आशीर्वाद सही पड़े। भान खाचर के दरबार में दो लड़के पैदा हुए। लटूरिया बापू के आशीर्वाद से जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम टपू खाचर रखा गया। हका बापू के आशीर्वाद से जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम अनकू खाचर रखा गया। इसमें दरबार श्री टपू खाचर बड़े खुश मिजाजी और रमत गमत के बड़े शौकीन रहे थे। उसको खेल कूद का अजीब शौक था। यह अपने छोटे बच्चों के साथ भी कभी कभी क्रिकेट खेला करते दिखाई देते थे। दरबार श्री अनकू खाचर शर्मिंदा और भावुक व्यक्ति थे। यह किसी का दुख देख नहीं सकते थे या किसी का भी दुख सुनते ही उसकी आंखों में पानी आ जाता था। यह दृश्य सणोसरा में बहुत सारे नागरिकों ने देखा था। सरा के दरबार श्री जीवा खाचर बड़े बुद्धिमान और बड़ी रियासतों के साथ संबंध रखने वाले शासक थे। उसने जामनगर जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी के साथ बहुत अच्छा संबंध रखा था। जाम साहेब सणोसरा में भी मेहमान गति मनाने के लिए आए थे और तब उसने कहा था, अरे जीवा खाचर, ये राजकुमारों को हमारे जामनगर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दो। दरबार श्री जीवा खाचर बड़े मुत्सदी और चपल होशियार शासक और निशानेबाज थे और अच्छा तैरना भी उसे आता था। तब दरबार श्री जीवा खाचर और उसके छोटे भाई वीरा खाचर तीसरे ने उनके कुरों को नवानगर स्कूल में जामनगर और राजकोट में हरभमजी राज ग्रासिया छात्रालय में और अल्फ्रेड हाईस्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे थे। दरबार श्री जीवा खाचर के तीन कुमार विक्रम खाचर, नाज खाचर और रामकू खाचर थे। इसमें नाज खाचर बहुत होशियार और बुद्धिमान बने। उसने राजकारण में भाग लिया और जिला पंचायत में सदस्य बने और गांव के सरपंच बने थे। दरबार श्री वीरा खाचर खेती में बहुत अच्छी तरह ध्यान देते थे। उसने पालियाद के पास बोड़ी गांव में जमीन रखी थी और डूंगर के ऊपर महिदड़ गांव में बीड़ इजारे से रखते थे और सणोसरा से बोड़ी तक घोड़े पर बैठकर जाते थे। सुबह में बोड़ी गांव में हो तो शाम को सणोसरा के किसानों को खेत में मिलते थे। इतना भारी परिश्रम करके उसने अपनी खेती को आगे बढ़ाई थी। आजकल के लोग इतनी घुड़सवारी नहीं कर सकता, इतना नाजुक हो गए हैं। इसमें से दरबार श्री वीरा खाचर के चार कुमार भगु खाचर, रावत खाचर, वास्कुर खाचर और देवकू खाचर को पढ़ने के लिए भेजे थे। दरबार श्री वीरा खाचर के बड़े कुमार भगु खाचर शिक्षा और रमत गमत में उसके सहाध्यायी से सबसे आगे ही रहते थे। उसको कोई पूरे काठियावाड़ में हरा नहीं सकता था, इतना होशियार रहे थे और अपने साथियों में हरिश्चंद्र नाम से जाने जाते थे, इतना वे सत्य प्रेमी भी रहे थे। उनकी याद शक्ति इतनी सतेज रही थी कि उसने जो अभ्यास किया या किताबों की सब बातें आखिरी सांस तक भूले नहीं। आखिरी अवस्था में जब उसकी आंखें चली गई थी तब अपना कोई भी पुस्तक लेकर किसी को पढ़ने देते थे और कहते थे कि इस नंबर के पन्ने पर यह लिखा है तो यह अवश्य लिखा हुआ दिखाई देता था। यह देखकर सब उसकी याद शक्ति के लिए अचंभे में पड़ जाते थे। उसने अभ्यास काल में पोल जंप, लॉन्ग जंप, वॉलीबॉल आदि में पूरे काठियावाड़ में लाखाजीराज स्पोर्ट्स में प्रथम नंबर का इनाम प्राप्त किया था। दरबार श्री भगु खाचर इतना सत्यवादी और भावुक व्यक्ति रहे थे कि वो बोटाद के न्यायालय में एक केस में उसके विरुद्ध जाने वाले इंसान ने न्यायालय में
जुबानी दी कि मैं बगुबाई को जानता ही नहीं हूँ। ऐसा सुनते ही तुरंत ही उसके मस्तिष्क को बड़ा शौक पहुँचा और तब वे सही वही तभी से सुनमुन अपनी मस्ती में जिंदगी भर के लिए बन बैठे रहे। दरबार सिवा सुरखाचर बड़े शांत स्वभाव के निराभिमानी व्यक्ति थे। उसको भी रमत गमत का बड़ा शौक रहा था। उसकी एक तस्वीर यह बात की आज भी गवाही दे रही है। यह वीडियो के प्रस्तुतकर्ता ने 25 किताबें लिखी और इतिहासकार संशोधक कटार लेखक क्रांति सेवक का नाम बनाया ऐसे डॉक्टर प्रतिमन खाचर सणोसरा के दरबार रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने पूरे विश्व में काठियावाड़ के राजा महाराजाओं का इतिहास इंटरनेट के माध्यम से रखकर नई पीढ़ी को इतिहास के माहितगार करवाने का मुश्किल काम सरल रास्ते में करवाया है। सणोसरा के लोग भी इतने नाम कमाए हैं। सणोसरा के पूर्व निवासी जसानी बनिए ने यहाँ के दरबार की छुट्टी लेकर गांव छोड़ दिया और रंगून गए। वहाँ बहुत धन कमाए और बाद में राजकोट और मुंबई में स्थायी हुए। उसके बंगले का नाम अमृत विला था, जहाँ जब जब गांधी जी राजकोट आते थे तब उसके बंगले में ठहरते थे और राजकोट सत्याग्रह के समाधान की फोटो में भी बैचरलाल जसानी दिखते हैं। जसानी सेठ ने राजकोट के पास कोठारिया गांव में क्षय रोगियों के लिए बड़ी अस्पताल बनाई है और श्री अमृतलाल वीरचंद जसानी विद्या मंदिर काठियावाड़ निराश्रित बालाश्रम ने बनाया है। सणोसरा में पाठशाला अस्पताल बनाई, पियावा गांव में बावड़ी बनवाई। सणोसरा के दर्जी हरजीवन भाई पाठड़िया के पुत्र खीमजी भाई पाठड़िया ने मुंबई में बड़ा कारोबार जमाया और बड़े उद्योगपति और दानवीर का नाम कमाया है और विधानसभा का चुनाव लड़े। इसमें अपनी 514 करोड़ की बहुत ज्यादा संपत्ति दिखाते सबको चौंका दिया था। सणोसरा के कोली पटेल का एक लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। अनुसूचित जनजाति के खीमजी भाई सोलंकी ने हार्डवेज में अपना नाम बनाया है। तो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, उसका भविष्य धुंधला हो जाता है। इसलिए हम हमारी नई पीढ़ी के लिए ये परिश्रम उठा रहे हैं कि अपने इतिहास को देखकर अपना भविष्य बनाए। अपने पूर्वज कितने गौरवशाली और दीर्घदृष्टा, होशियार, जबरदस्त मेहनतू थे और आज हमें भी इसमें से कुछ सीख लेनी चाहिए। मैं तो यह मानता हूँ कि युवा पीढ़ी पिक्चरों के डायलॉग नहीं, हमारे पूर्वजों की नीति रीति और कार्य के डायलॉग बोलने चाहिए। तब ये लहू अपने शरीर में बड़े गौरव के साथ बहता रहेगा।